और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो अगर आप 15,000 रुपये की कीमत में 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको एक तगड़ा, एक ज़बरदस्त पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर मिले, उसके साथ साथ आपको एक बड़ी बैटरी और एक फुल HD डिस्प्ले जहां पर एक स्टाइलिश फ़ोन भी हो, अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं और आपका बजट भी अंडर 15,000 की रेंज में, क्योंकि अब पैसे भी बढ़ चुके हैं GST लगने के बाद, तो अगर आपका बजट है तो अगर आप लेना चाहते हैं एक बेस्ट सा फ़ोन, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं जहां पर मैं आप लोगों को टॉप 3 बेस्ट फोन बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने तीसरे फोन से। तीसरे फोन की अगर बात करें तो हमारा आता है वीवो की तरफ से Z1 Pro, एक बहुत ही ऑसम फोन, एक अपने वक्त का बहुत ही कमाल का फ़ोन और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इसमें आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है, 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिलता है, और उसके साथ साथ एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है जहां पर एक आप लोगों को एक अच्छी बैटरी लाइफ यानी कि 5000 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि एक कमाल का फ़ोन, एक पावर पैक फ़ोन बन जाता है जहाँ पर स्टाइलिश भी आप लोगों को ये फ़ोन लगता है। आप बहुत दिन हो गए हैं इस फ़ोन को लॉन्च हुए, बट ये आप लोगों को बिल्कुल ऑसम लगेगा, स्टाइलिश लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल अभी जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं उन्हीं की तरह फ़ोन ख़रीदा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर इस फ़ोन की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.3 GHz का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये वेरिएंट आप लोगों को 14,990 रुपये की कीमत में मिलता है। अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले मिलती है जो कि 6.53 इंचेस की होती है, जो कि फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है 395 PPI डेंसिटी के साथ, जो कि IPS LCD होती है। एजेस बहुत ही पतले और चिन भी बहुत ही पतला मिलता है, देखने में बहुत ही ऑसम लगता है, स्टाइलिश फ़ोन लगता है। कैमरे की बात करें तो 16+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। जहां पर अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, और यहां पर आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाता है बैक में। और अगर इस फ़ोन की बात करें तो 14,990 रुपये की कीमत में एक बेस्ट फ़ोन निकल कर आता है आप लोगों के लिए, यानी कि एक पावर पैक फ़ोन है। अगर आपको एक फ़ोन लेना है, बेस्ट गेमिंग फ़ोन लेना है, तो वीवो Z1 Pro के साथ जा सकते हैं जिसमें आप लोगों को 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल रहा है, जहां पर एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर भी मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 712 एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर अपने दूसरे फ़ोन की। अगर दूसरे फ़ोन की बात करें तो हमारा आता है यहां पर Poco F1, और Poco F1 एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन है जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। उसके साथ साथ आप लोगों को यहां पर 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है देखने को, और यहां पर आप लोगों को एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, यानी एक पावर पैक फ़ोन मिलता है। और Poco F1 अभी भी आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को इसमें MIUI 12 का भी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जल्द ही आप लोगों को MIUI 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें Poco F1 की तो आप लोगों को Poco F1 जो है ऑक्टा कोर 2.8 GHz के स्नैपड्रैगन 845 के प्रोसेसर के साथ मिलता है, जो कि 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.18 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले 403 PPI डेंसिटी के साथ IPS LCD देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 12+5 MP का डुअल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 20 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। जहां पर बैटरी की अगर बात करें तो 4000 mAh की बैटरी, क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 14,999 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही पावरफुल फ़ोन है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने पहले फ़ोन की। पहला फ़ोन आता है हमारा Redmi Note 8 Pro, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, एक बहुत ही दमदार फ़ोन है जिसमें आप लोगों को 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। ये आप लोगों को बहुत ही सस्ती कीमत में मिल जाता है, 14,499 रुपये की कीमत में मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। Redmi Note 8 Pro की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.05 GHz का MediaTek Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जहां पर 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देता है, जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस की फुल HD
395 ppi डेंसिटी के साथ IPS LCD देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब मिलती है, यहाँ पर फ्रंट में भी आप लोगों को ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल जो आप लोगों को प्राइस मिलेगा उस 14,798 रुपए की कीमत में देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।